हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार कैन शो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेर यू कैन फील द एसेंस ऑफ अ लाइव क्लासरूम राइट एट योर फिंगर टिप्स राइट फ्रॉम योर होम। सो जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं जल्दी से आ जाइए कमेंट सेक्शन में एंड डू लेट मी नो एंड यस एम आई परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल बच्चा जल्दी से बता दो यस वी आर लाइव। चलिए गुड आफ्टरनून। और कल मजा आ गया था ना सोलर सिस्टम को पढ़ के, बहुत ही मजा आ गया। हमने पता चला कि भैया ये सिस्टम होती गया है और ये सिस्टम में किस तरीके से प्लैनेट स्टार सन है ना, ये सारी चीजें हमने देखा था, मून। तो इसको आज हम इसी स्टडी को जो है इसी सिस्टम को थोड़ा और इनडेप्थ आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं बच्चा जल्दी 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 जल्दी। हेलो हाय चलिए अभी मैं कमेंट सेक्शन को जो हूं बच्चा थोड़ा साइड में रखूंगा क्योंकि हम लोग जो है इसे जल्दी से कंप्लीट करना है ना हमें। चलिए या मैं परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल बताओ तो जल्दी से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अरे वाह देखिए कल जो है ओके चलिए बेटा कल हम लोगों ने देखा था ठीक है सोलर सिस्टम, हमने थोड़ा समझा था सोलर सिस्टम के बारे में है ना। तो देखिए सोलर सिस्टम को आज हम थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, देखते हैं। देखिए सोलर सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन अगर आपको कही जाए कि सोलर सिस्टम क्या है, अगर आपको कहा जाए तो आपको क्या लिख के आना है। देखिए द सन मेन तो वही होगा, 8 प्लैनेट्स होते हैं उसके साथ, सैटेलाइट्स होती है जैसे मून और वगैरह, ये नेचुरल सैटेलाइट्स है। फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे भी सैटेलाइट्स आएंगे जो हम बना के भेजते हैं जिसे हम कहते हैं मैनमेड सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मैनमेड सैटेलाइट्स। जस्ट अ मिनट बच्चा। यस बच्चा बताइए एम आई परफेक्टली ऑडिबल। चलिए कंप्लीटली दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है ना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते ओके। देखिए जैसे मैंने आपको कहा सोलर सिस्टम, तो यहां पर सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है जैसे स्पेस में ये सारी चीजें है ना अलग अलग, ठीक है, सैटेलाइट्स है, मून है, प्लैनेट्स है, फिर अभी हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटियोरॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उन्हीं सब चीजों को, वो पूरी सिस्टम को जो है हम लोग कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है एस्टेरॉइड्स मेटियोरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड, ठीक है। सन जो है वो एकदम सेंटर मोस्ट पॉइंट पे होता है ऐसे हम कह सकते हैं, और यहां पर जो है ये एक हम कह सकते हैं कि ये हेड है, पूरी फैमिली है इसकी और ये फैमिली का हेड है, ठीक है। चलिए तो ये सोलर सिस्टम की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको अच्छे से ये लिख के आना है कि द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। चलिए अब देखो यहां पर एक डू यू नो में एक अच्छी चीज हम लोग देख रहे हैं। यहां पर देखिए ये तो वही है सिस्टम मैंने आपको बताया, सन है पहला प्लैनेट। अभी देखो ये प्लैनेट्स को याद करने का एक तरीका भी होता है, एक ट्रिक भी होता है, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। अब देखो ये चीज भी यहां पर ये लिखा गया है बच्चा कि रोमन माइथोलॉजी, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी होता है ना, जैसे देखो हिंदू में हम लोगों को पता है कि हमारी जो पौराणिक कथा होती है जैसे रामायण है महाभारत है ना, तो वैसे ही रोमन माइथोलॉजी हुआ करता था। उसमें जो है रोमन माइथोलॉजी में जो है ना ये सोल का मतलब होता है, जो हम बोलते हैं ना सोलर सिस्टम, तो सोल का मतलब होता है सूर्य देवता यानी सन गॉड, ठीक है, हम बोलते हैं सूर्य देवता। तो देखिए सोलर मींस रिलेटेड टू द सन, इसीलिए इसका नाम है सोलर फैमिली, ठीक है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली। और यहां पर लिखा राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन, ये तो आप बेटा कर सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पे सोलर सिस्टम है, वैसे सोलर कार आती है ना, सोलर कार आती है, ठीक है, सोलर कुकर आता है,
तो ऐसे बहुत सोलर हीटर आता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है हम बना सकते हैं। चलिए अब देखिए, हम बात करते हैं सन की, सूरज की बात करते हैं ना, बहुत ही तेज। तो द सन इज इन द सेंटर ऑफ यू कैन से सोलर सिस्टम एंड इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ऐसे एकदम गरम गरम जो गैस है। मैंने कल भी आपको बताया था, सन है ना वो एक्चुअली में वाकई में एक स्टार ही है बेटा, जो हमको डे टाइम में दिखाई देता है। और ये सभी स्टार्स है ना, ये हॉट बॉल ऑफ गैसेस से बने होते हैं, तो इसके नजदीक जाना तो हम सोच भी नहीं सकते, है ना, बहुत ही जबरदस्त जो है गर्म होते हैं ये, एंड दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम एंड द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। पूरे सोलर सिस्टम में ये हीट एंड लाइट जो है वो कौन देता है बेटा, ये देते हैं हमारे सन, ठीक है, फॉर द सोलर सिस्टम। और ये जो है ना बाकी सब प्लैनेट्स को बांध के रखता है, क्या करता है ये बाकी सारे प्लैनेट्स है और ये बाकी पूरी सिस्टम को बांध के रहता है। ऐसे दोरी वोरी नहीं होती है, लेकिन आप थोड़े हायर क्लास में जाओगे तो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो ये कुछ फोर्स होता है, उस फोर्स के साथ जो है इन सारे प्लैनेट्स को अपने साथ बांध के रखता है। वरना देखो अगर ऐसे रिवॉल्व होता ऐसे जैसे, तो ये बाहर नहीं निकल जाता, जैसे ऑर्बिट है तो ये देखो ये ऑर्बिट में घूम रहा है, अभी आएगा ऑर्बिट भी के, तो ये बाहर नहीं चले जाते प्लैनेट, लेकिन कभी जाते नहीं है, ये इनका खुद का एक रास्ता होता है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। देखिए बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बींग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। जी हाँ, देखिए आपको बताया कि सन जो है वो हमारे अर्थ से वैसे देखने जाओ तो नियरेस्ट है, लेकिन अगर आप ये वाकई में देखोगे स्पेस में, अगर शायद आप बन गए बड़े से एस्ट्रोनॉट, कभी बड़े हो गया आप बड़े से एस्ट्रोनॉट बन गए और आपको स्पेस में जाने मिला, तब आपको रियल में पता चलेगा कि भैया ये हमारा अर्थ और हमारा सन, ये कोई ऐसा नहीं है कि दो सिटी के बीच में, लाइक जैसे हम बोलते हैं यहां से अहमदाबाद है वो 100 किलोमीटर है, यहां से बॉम्बे है वो 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर, हम दो सिटीज के बीच में किलोमीटर में हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, लेकिन यहां पर कोई इतना छोटा डिस्टेंस नहीं होता है, ये काफी दूर होता है। और यहां पे लिखा भी, ये याद रखना वन मार्क में आ सकता है, द सन इज अबाउट 150 मिलियन, आपको पता है लास्ट ईयर हमने पढ़ा था मिलियन एंड बिलियन, तो 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अगर मुझे यहां पे लिखना हो तो देखो मैं यहां पर 150 लिख दूंगा, और आपको पता है मिलियन में कितने जीरो होते हैं, मिलियन में होते हैं 6 जीरोस, मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो इतने किलोमीटर दूर है वो, इतने किलोमीटर हमारे अर्थ से अप्रोक्स 150 किलोमीटर है ना, 150 किलोमीटर दूर है हमारे यहां से। सोच सकते, इसीलिए हमें क्या है उनकी हीट और लाइट ऐसे मौजूद है, ऐसे हमारे अर्थ पे हम फील कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि जैसे हम जल जाए, इतना भी हाँ नजदीक गए तो बेटा राख हो जाएगा, लेकिन नजदीक जा नहीं सकते हम कभी, है ना। चलिए दूसरी एक चीज है कि ह्यूमंस, यानी देखो आप सब लोगों में से कई लोग, आप में से जैसे मुझे भी बहुत अच्छी नाइट स्काई को देखना और ये सारी चीजें हमें बहुत पसंद है, इसकी फोटोग्राफ्स लेना, तो यहां पर देखो ये टेलीस्कोप से भाई जो है इसको देख रहे हैं, तो एक डिवाइस आता है, ठीक है, ये डिवाइस को हम कहते हैं टेलीस्कोप। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, टेलीस्कोप। जैसे अलग अलग चीजें होती है ना देखने के लिए, जैसे एक आता है बाइनोक्यूलर्स क्या होता है, वो हम कोई दूर की चीज हमें देखनी हो हमारे अर्थ पे तो हम लोग बाइनोक्यूलर्स का देखते हैं, लेकिन इतनी भी दूर देखनी हो तो हम लिखते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैक्सिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। यहां पे देखो एस्ट्रोनॉमर की भी डेफिनेशन आपको समझ में आना चाहिए, कि जो ये अंतरिक्ष के बारे में स्टडी करते हैं, जो ये स्पेस के बारे में, स्टार्स के बारे में ये स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। एक होते हैं एस्ट्रोनॉट, जो स्पेस में जाते हैं, जो स्पेस में जाके आते हैं, ठीक है, और एक होते हैं एस्ट्रोनॉमर, जो यहां रह के इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, इनके बारे में पता लगाते हैं। और ऐसे ही हमारे इंडिया के बहुत एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर हो गए, ये अभी के टाइम के नहीं है, ये एंशियंट इंडिया, बहुत ही पहले के टाइम के हमारे एक अच्छे जाने माने एस्ट्रोनॉमर हो गए, जिनका नाम है आर्यभट्ट। इनके नाम से जो है बहुत सारे, जैसे सैटेलाइट्स भी हमने यहां पे बना के भेजी है, आर्यभट्ट है, सैटेलाइट भी हमने बनाई है। तो देखिए ये थे आर्यभट्ट, ये जो है ना बहुत ही जीनियस एस्ट्रोनॉमर थे। तो ये स्टार्स की, इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, इन सारे स्टार्स की पोजीशन होती है, फिर स्पेस में क्या चल रहा है,
तो ये सारी चीजों के बारे में इनको खबर होती है, क्योंकि ये स्टडी ही इनकी करते हैं, ये इनके बारे में ही स्टडी करते रहते हैं पूरे दिन। ठीक है, टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो सब आप जो एस्ट्रोनॉमर भी बन सकते हो, आप जो है एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो। देखिए अब कुछ वर्ड ओरिजिन्स की हम बात करते हैं, ठीक है, वन वर्ड ओरिजिन्स की बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा है देखो, मेनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेजेस। होता क्या है, जो हम अभी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी के कुछ वर्ड्स है, संस्कृत एक लैंग्वेज आती है हमारे इंडिया में, फिर वैसे ही रोमन लैंग्वेज होती थी, ग्रीक लैंग्वेज होती थी, लैटिन लैंग्वेज होती थी, तो दुनिया फ्रेंच लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। तो कुछ ना कुछ हम जो वर्ड्स डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, ये सारे वर्ड्स कोई ना कोई जगहों से आया होता है। तो देखो जैसे ज्योग्राफी, अभी हम पढ़ रहे हैं ना ज्योग्राफी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी है ना, तो हमें लगता है ये इंग्लिश वर्ड है, क्योंकि हम बोलते हैं व्हाट यू आर स्टडिंग, तो बोलते हैं आई स्टडी ज्योग्राफी, तो आपको लग रहा है ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एक्चुअली में ये वर्ड आया कहां से है, ग्रीक लैंग्वेज से। कहां से आया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से, विच मीन्स या विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि ज्योग्राफी का मतलब अर्थ की जो स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ये दो वर्ड्स के टुकड़ों से बना है, जैसे कि ज्योग्राफी, जैसे यहां पे लिखा है ज्योग्राफी, तो एक वर्ड हो गया जियो, देखो यहां पे लिखा ही है, यहां पे भी लिखा है जियो, प्लस यहां पर हो गया ग्राफिया, ठीक है, यहां पर जियो प्लस ग्राफिया, ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ यहां पर, ठीक है, ये अर्थ के रिलेटेड है। तो देखो जियो मींस अर्थ एंड ग्राफिया मींस राइटिंग। तो यहां पर देखो और वर्ड्स है, और वर्ड्स है, अगर हम जियोलॉजी ऐसा बोले तो स्टडी ऑफ द अर्थ, अगर मैं बोलू जियोमेट्री तो ये मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अगर मैं बोलू जियोइड, तो जियोइड का मतलब होता है अर्थ जैसा शेप, उसको हम जियोइड कहते हैं, ठीक है। तो ये जियो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, इससे और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे अभी हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, है ना, सोल, तो वो क्या होता था, रोमन माइथोलॉजी से बना हुआ, यानी कि सन गॉड उसका मतलब, तो वैसे ही यहां पर ये ज्योग्राफी जो है ये वर्ड कहां से बना है, ग्रीक लैंग्वेज से। तो अगर आपको पूछा जाए वन मार्क में, तो आपको आना चाहिए कि ज्योग्राफी वर्ड बना है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसमें ज्योग्राफी का जो है दो यहां पे टुकड़ों में तोड़ के हम बनाते हैं वर्ड को, जियो प्लस ग्राफिया, जियो का मतलब अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब राइटिंग, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बच्चा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है यहां पर, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, डू यू नो वाली, ये वाली, तो इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको है ना लाइटली नहीं लेना है। एग्जाम में वन मार्क में पूछा जाता है कि जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। जैसे आप थोड़े बड़े होंगे तो बायोलॉजी आएगा, एक सब्जेक्ट आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने सुना होगा। तो ये बायोलॉजी हम क्या होते हैं, जब हम इंसानों के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो वैसे ही अगर आप जियोलॉजी बोलते हो तो इसका मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री कहते हैं तो वो होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड जियोइड कहते हैं तो वो होता है हमारा रिसेम्बल्स द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे इंडिया के, मैंने कल भी आपको बताया था, ये हमारे इंडिया के अंतरिक्ष में जाके हमारा इंडिया का नाम रोशन करने वाले, ये वन ऑफ दोज हम कह सकते हैं स्पेस साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो है, ये है कल्पना चावला जी, जिनके बारे में इस साल आप इंग्लिश में भी एक चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये है कल्पना चावला जी, ठीक है, ये है हमारे फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे, जिनका नाम है राकेश शर्मा, और लास्ट ईयर आपने और एक के बारे में पढ़ा था, सुनीता विलियम्स, है ना, लास्ट ईयर ईवीएस में आता था आपको सुनीता विलियम्स। चलिए तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम, और देखिए यहां पर आपको कुछ ये प्लैनेट्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। देखो जब हम छोटे थे, जब हम, मैं मेरी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो हम जब स्टडी करते थे, जब मैं क्लास सिक्स में था तब हमें पढ़ाया जाता था कि 9 प्लैनेट्स है, ठीक है। उस समय पे एक और प्लैनेट को हम काउंट करते थे जिसे हम कहते थे प्लूटो, जिसका नाम है प्लूटो, प्लूटो प्लूटो प्लूटो। लेकिन बेटा अब ये कुछ सालों, मीन्स ऑलमोस्ट 2006 के बाद एक स्टडी हुई और साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि हम प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशन होती है प्लैनेट बनने की। जी हाँ, प्लैनेट बनने की भी कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशन इन्होंने फुलफिल नहीं की। जैसे देखो
हम जो है फॉर एग्जाम्पल बड़े होते हैं तो कुछ स्टडी करते हैं ना, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है ना, कोई पायलट बनता है, कोई आर्मी में जाता है, तो अलग अलग सब जगहों पे पढ़ाई तो करनी पड़ती है, लेकिन आपने पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं की। आप देखो ट्वेल्थ के बाद पास हो गए, लेकिन आप डॉक्टर बनने गए, लेकिन आप डॉक्टर की स्टडी बीच में आपने छोड़ दी, तो आपने वहां पे पूरी कंडीशन फुलफिल की नहीं की, तो आप डॉक्टर कहलाओगे नहीं कहलाओगे। तो वैसे ये भाई साहब जो है ना, ये भी प्लैनेट बनने निकले थे, लेकिन प्लैनेट का जो कुछ कंडीशन होती है कि इन्होंने फुलफिल नहीं की। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये थोड़ा हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे बेटा, लेकिन अभी के लिए समझो प्लूटो है उसे अभी हम प्लैनेट कहते नहीं है। टोटल 8 प्लैनेट्स है आपको याद रखना है। अब यहां पर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यहां तक। और ये प्लूटो को आपको याद नहीं रखना है। अब एक टेक्निक सिखाता हूं, हैं? ये एक टेक्निक है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर सीक्वेंस वाइज हम ये 8 प्लैनेट्स को याद कैसे रखें, है ना? तो देखो यहां पर मैं आपको सिखाता हूं। तो यहां पर देखो, माय वेरी एफिशिएंट मदर, इसको आप अर्नेस्ट मदर भी कह सकते हो, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। आपको नट्स नहीं पसंद है, कोई बात ना, हम यहां पर नूडल्स कर देते हैं, है ना? हम यहां पर नूडल्स कर देते हैं, ठीक है? हम यहां पर नूडल्स कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए, मेरी बहुत ही प्यारी मम्मी जो है, उन्होंने अभी हमें नूडल्स दिया। अब ये तो हिंदी हो गया, इसका इंग्लिश देखो, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नूडल्स। तो देखो एम है यहां पर, तो पहला होता है मर्क्यूरी, ठीक है? पहला है मर्क्यूरी। तो यहां पर देखो, कई बार हम लोग बोले, आप बोलोगे कि सर यहां पे एम वाई है, वो भी तो एम से स्टार्ट होता है, और यहां पर मदर है वो भी एम से स्टार्ट होता है, तो हमें थोड़ी पता चलेगा मर्क्यूरी कहां आएगा, मार्स, क्योंकि आपको पता है मार्स जो है वो भी एम से स्टार्ट होता है। तो सिंपल देखो, मर्क्यूरी का पूरा स्पेलिंग क्या होता है, एम ई आर सी यू आर वाई। तो देखो इसमें एम आता है स्टार्टिंग में, लास्ट में वाई आता है, तो देखो माय है ना। और मार्स की अगर हम बात करते हैं, एम ए आर एस, तो यहां पर आता है एम और यहां पर आता है, यहां पे लास्ट देखो आर एस है, ठीक है? तो ये आप ये इस तरीके से भी याद रख सकते हो, या तो फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, मर्क्यूरी। तो एक याद रह गया तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। चलिए फिर से बताता हूं, माई वेरी अर्नेस्ट या एफिशियंट मदर जस्ट सर्वड अस नूडल्स। जब हम छोटे थे ना, तो हम इसे कैसे याद रखते थे बताता हूं। हमको तो प्लूटो भी याद रखना था, हमें तो प्लूटो भी उस समय पे प्लूटो जो है वो प्लैनेट में आता था, तो हमें तो प्लूटो भी याद रखना था। तो हम क्या करते थे, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। तो हमारा ऐसा होता था कि मेरी मम्मी ने अभी ही मुझे, हम सबको जो है 9 प्लैनेट्स बता दिए, तो वहां पर हमारा ऐसे हम सेट करते थे। लेकिन आप ऐसे सेट कर दो, क्योंकि प्लैनेट्स का पी तो निकल गया है, तो अब हम इसे कैसे सेट करेंगे, माई वेरी अर्नेस्ट या तो एफिशियंट जो भी आपको पसंद आए, मदर जस्ट सर्वड अस नट्स मैंने निकाल दिया, आप नूडल्स रख दो। अब किसी को नूडल्स नहीं पसंद है, नट्स पसंद है तो ठीक है, नट्स रख देना। तो देखिए पहला जो है ये हो गया मर्क्यूरी, वी का मतलब वीनस, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स, जस्ट यानी जे जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस, और लास्ट एन आ गया, तो ये हो गया नेपच्यून, है ना? ये हो गया नेपच्यून। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने की एक टेक्निक हो गई, और ये सीक्वेंस वाइज टेक्निक हो गई। देखिए यहां पर ये हो गई हमारी सीक्वेंस वाइज टेक्निक। अब देखिए, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। ये याद रखना, ये जितने भी प्लैनेट होते हैं ना, ये टकराते नहीं है आपस में कभी भी। क्यों टकराते नहीं है, इतने सारे प्लैनेट है तो टकराएंगे क्यों नहीं, हमें ऐसा हम सोचेंगे। लेकिन बेटा इनका, जैसे हम लोग जब है हाईवे पे जाते हैं, या तो हम लोग जब हमारे घर का, आपको पता है हर एक सिटी में हर एक जगह पे जाने के लिए एक रास्ता होता है ना, उसको हम पाथ कहते हैं। तो वैसे इनका भी एक पाथ होता है, वो उसी रास्ते पे घूमते हैं, वो हर एक प्लैनेट का खुद का एक रास्ता होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। कोई एक दूसरे के रास्ते में बीच में आड़े आएगा नहीं, ठीक है? ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ एंड दिस पाथ आर एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा होता है, देखो एलोंगेटेड, जैसे आप सूरज यहां पे देख रहे हो तो ऐसे होता है, इसको मैं यहां पर भी ऐसे देखो यहां पर बता देता हूं। एलोंगेटेड का मतलब ऐसे, एकदम सर्कल नहीं होगा, एकदम सर्कल नहीं होता।
जैसे सन यहां पर है और यहां पर कोई प्लैनेट है तो एलोंगेटेड ऐसे होगा, ठीक है, लंबा ऐसे सर्कल, एक एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा, इसको हम एलोंगेटेड पाथ कहते हैं और इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। मर्क्यूरी, ये याद रखना, मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन एंड इट टेक्स, अब देखो कोई मुझे बता पाएगा, अर्थ जो है, अर्थ वो पूरे सन के इर्द गिर्द पूरा एक चक्कर लगा के आता है तो कितने डेज होते हैं? मर्क्यूरी को तो 88 डेज लगते हैं, मर्क्यूरी को 88 डेज लगते हैं, तो हमारे अर्थ को, ये रहा हमारा अर्थ थर्ड नंबर का, इसे कितने डेज लग रहे हैं, इसे कितने डेज लगते हैं? अरे वाह बहुत ही बढ़िया, 365 डेज, 365, देखो नहीं 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 36 लीप ईयर कैसे होता है वो हम बाद में सीखने वाले हैं, बट मैं फिर से बता देता हूं, एग्जैक्टली डेज में अगर हम देखें ना तो ऐसा होता है 365 डेज एंड ये होता है 6 आवर्स, ये होता है 6 आवर्स एग्जैक्ट, पूरा एक सन का चक्कर लगाना हो सन के, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, कल भी मैंने आपको सिखाया था रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो देखिए हम बोलते हैं ना सीजन चेंज होती है ना, ये अभी हम लोग थर्ड चैप्टर में सीखने वाले हैं, हम बोलते हैं सीजन, चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर सही है, देखो यहां पर हम बोलते हैं सीजन चेंज होता है, अब ये दिन चेंज होता है, हम बोलते हैं ना डे और नाइट, वो डे और नाइट क्यों होता है, क्योंकि सन और हमारा जो अर्थ है ना वो सबसे पहले तो अपने ही जगह पे एक बार घूम लेता है, आपको पता है एक्सिस, मैंने कल बताया था कि अगर मैं जैसे अपने ही यहां पे जगह पे और मैं पूरा ऐसे घूम जाऊं तो यहां पर क्या होता है, पूरा एक चक्कर लगाया, लेकिन सन तो वहां पर ही है तो यहां पर क्या होगा, डे एंड नाइट आपको देखने मिलेगी। नहीं पता चलता स्ट्रेस मत लेना, थर्ड चैप्टर में हम अच्छे से सीखने वाले हैं। और दूसरा आता है रिवॉल्यूशन, यानी पूरा चक्कर लगा के आता है ऐसे, तो वो पूरा चक्कर लगा के आता है, उसकी वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पे अर्थ पे सीजन्स बनती है, ठीक है, आपको पता है समर सीजन है, रेनी सीजन होता है, विंटर सीजन है ना, अलग अलग, तो ये सीजन है वो रिवॉल्यूशन। अब ये पूरा चक्कर कितने कितना टाइम लगता है, 365 डेज और 6 आवर्स, ये हम भूल जाते हैं। अब देखो आप बोल रहे हो ना कई में कि यहाँ पे सर लीप ईयर होता है, ऐसा नहीं है कि ये 366 डेज लेता है, ऐसा होता है ये एक पूरा साल जो है ना, इसका मतलब 365 डेज और 6 आवर्स, अगर आपको पता है 6 घंटे, अगर 4 साल यानी 4 टाइम 6 घंटे आप कर दो, 6 4 24 आवर, 24 आवर का मतलब होता है एक दिन, तो लास्ट जो चौथा साल होगा ना उसमें हम क्या करते हैं 365 डेज और एक और ऐड कर देते हैं तो जाके लीप ईयर होता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं 366 डेज, उसको भी हम लोग है ना थर्ड चैप्टर में सीखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर इतना आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो पूरा एक रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का वो होता है 365 डेज, हम डेज में इतने तक रखते हैं, लेकिन आपको एक्यूरेट कहना हो तो इसको हम ऐसे कहते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो मर्क्यूरी तो बहुत नजदीक है और मर्क्यूरी का ऑर्बिट भी देखो और फटाफट घूम रहा है, तो मर्क्यूरी कितने दिन ले रहा है, 88 डेज ले रहा है, कितने डेज ले रहा है बेटा, 88 डेज। देखो यहां पर ये ऑर्बिट से, ये अलग अलग जो है हर एक प्लैनेट्स की ऑर्बिट है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, तो यहां पर यूरेनस, नेपच्यून। अब देखो हमारा जो अर्थ है ना, हमारा जो अर्थ उसके जैसा ही और एक प्लैनेट हम कह सकते हैं वीनस जैसा, है ना, तो वीनस को हम अर्थ का ट्वीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्वीन, अर्थ का ये ट्वीन ब्रदर और सिस्टर हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, ये वीनस है ना, ये हम हमारी आईज से, यस ये प्लैनेट को हम हमारे आईज से देख सकते हैं। सुबह के टाइम पे जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो ना, शायद उठ जाओ सनराइज होने से पहले, लाइक 5 बजे है, यू नो अर्ली मॉर्निंग है, 4:30 है, 5 o'clock है, एकदम जब सनराइज नहीं होता, विंटर में आपको और अच्छे से देखने मिल सकता है क्योंकि वहां पे अगर उठ गए तो अच्छा, ऐसे भी अंधेरा बहुत रहता है, तो आपको अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे आपको ये प्लैनेट अपनी आंखों से देखने मिलता है, एकदम ब्राइट होगा, एकदम ब्राइट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। और अब तो बहुत सारी एप्स आती है, एप्लीकेशंस आती है, तो हम डाउनलोड करेंगे ना, तो अगर हम मोबाइल को ऐसे रखते हैं तो मोबाइल जो है ना हमें बताता है कि भाई ये डायरेक्शन में ये वाला प्लैनेट है, ये वाले डायरेक्शन में ये वाला प्लैनेट है, ठीक है। चलिए तो अगर आपको कोई पूछता है कि कौन सा प्लैनेट अर्थ का ट्वींस है, तो हम उसको कहेंगे वीनस। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज और शेप है वो कहीं ना कहीं हमारे अर्थ से मिलता जुलता है ना। चलिए अब देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्लूटो को है ना 2006 तक
प्लूटो को हम एक प्लैनेट ही मानते थे, लेकिन एक मीटिंग होती है, जैसे हम डॉक्टर लोग होते हैं तो डॉक्टर की मीटिंग होती है, इंजीनियर होते हैं तो इंजीनियर की मीटिंग होती है, बिल्डर ग्रुप होता है तो बिल्डर लोगों की मीटिंग होती है, वैसे ही ये एस्ट्रोनॉमर्स है, एस्ट्रोनॉट्स है, उनका भी एक ग्रुप होता है, यूनियन होता है, तो उनकी एक मीटिंग थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो वहां पर एक डिसीजन लिया गया कि भैया अब प्लूटो को हम प्लैनेट मानेंगे नहीं, क्योंकि वो जो है ना प्लैनेट जैसा बिहेव ही नहीं कर रहा है ना, कुछ कंडीशंस होती है उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो उसको हम प्लैनेट मानेंगे नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, तो यहां पर देखो फिर एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, यहां पर अगर आप देख रहे हो ये जो है सैटर्न है, ठीक है, जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस, ये ऐसे प्लैनेट्स है कि जहां पर आपको उसके इर्द गिर्द रिंग्स देखने मिलेगी। देखो ये प्लैनेट है ऐसे, ये एस्ट्रोनॉट यहां पर गया नहीं है, ये तो जस्ट ऐसे ही मैंने आपको इमेज रखी है, ठीक है, क्योंकि वहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है, वहां तक ऐसे ह्यूमंस भी कोई जाकर वहां तक, जैसे आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग जो थे, ठीक है, एडविल एल्ड्रिन थे, ये सब जो है मून पर जाके आए हैं, मून पे जाके आए, लेकिन यहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हाँ सैटेलाइट्स हमारी जा सकती है, हमारी जो है ना टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है तो हम इन चीजों को देख पा रहे, ठीक है, हमारे वहां पे बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है स्पेस में है, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट हमने भेजे हुए वहां पे, तो वहां से ये फोटोज क्लिक होती है तो उनके बारे में पता लगता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ह्यूमन वहां पर गया नहीं है, क्योंकि ये जाना भी बहुत दूर है, बहुत दूर डिस्टेंस में होता है। और एक चीज यहां पर देखो, जैसे मैंने कहा जुपिटर सैटर्न और यूरेनस है ना, इनके इर्द गिर्द ऐसी रिंग्स होती है, रिंग्स होती है, ठीक है, गैसेस की रिंग्स होती है, कलरिंग कलरिंग ऐसे नहीं हम लोग देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा रिंग्स होती है, ये धुआं होता है ना, गैस हम बोलते हैं, उसकी बनी हुई रिंग्स होती है इसके इर्द गिर्द, एंड दीज आर बेल्ट ऑफ स्मेल डेब्रिज, और इसमें डेब्रिज यानी कि इस तरीके से गैसेस एंड डेब्रिज, डेब्रिज यानी छोटे छोटे पत्थर, नहीं बोलते हम लोग छोटे छोटे पेबल्स पत्थर, तो वैसे ये पत्थर पेबल्स और गैसेस ये इनका पूरा रिंग होता है इनके इर्द गिर्द। तो अगर आपको कोई पूछे कि कौन से प्लैनेट्स में आपको रिंग देखो, देखो मर्क्यूरी में नहीं देखने मिलेगा, विनस में नहीं देखने मिलेगा, अर्थ पे तो आपको पता ही है अर्थ में देखने नहीं मिलेगा, मार्स में देखने नहीं मिलेगा, जुपिटर में आपको थोड़ा देखने मिलेगा हल्का, सैटर्न की रिंग्स बहुत ही अच्छी है, यूरेनस की रिंग आपको देखने मिलेगी, तो ये तीन प्लैनेट्स में आपको रिंग देखने मिलेगी। ठीक है, देखिए यहां पर उसमें देखो सैटर्न की तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिंग होती है, आपको क्लियरली बहुत अच्छे से दिखाई देगी, इसमें थोड़ा थोड़ा रहेगा जुपिटर एंड यूरेनस में, बट सैटर्न की रिंग्स बहुत ही अच्छे से आपको देखने मिले, और ये आपका एनसीईआरटी में बेटा दिया हुआ है, ये वाली इमेजेस है ना, ये आपको एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, तो यहां पर आपको जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है, ये इंफॉर्मेशन आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है बेटा, जैसे यहां पर मैं ओरली बोल रहा हूं, ओरली आप लोग एनसीईआरटी की बुक में दिया आप समझ लेना, जैसे यहां पे लिखा है मर्क्यूरी है ना वो 88 डेज लगाता है चक्कर के, और 59 डेज, जैसे हमारा एक दिन जो है वन डे होता है ना 24 घंटे होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी बहुत धीरे 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 घूमता है, बहुत धीरे धीरे धीरे, तो वो उसके वहां पे अगर आपको एक दिन रहना हो ना तो हमारे अर्थ के 59 डेज लगेंगे, 59 डेज लगेंगे तब जाके आपका पूरा एक दिन कंप्लीट होगा। ठीक है, ये ना सन के आजू बाजू जल्दी घूम लेता है, लेकिन अपने एक्सिस पे जो ऐसे घूमना होता है ना वो बहुत धीरे धीरे घूमता है। अब वीनस का देखो, वीनस तो उससे भी धीरा है, वीनस तो उससे भी धीमा है, अगर वो अर्थ सन के आजू बाजू घूमना है तो 255 डेज है, लेकिन खुद के एक्सिस पे घूमना है तो बेटा 243 डेज। वीनस को, वीनस के अगर आप वीनस प्लैनेट पे चले गए, ठीक है, अगर आप वीनस प्लैनेट पे चले गए तो वहां पर आपको एक दिन के 243 डेज लग जाएंगे, सोचो, यानी कि एक दिन हमारे यहां पर 24 घंटे के होते हैं ना, वहां पे एक दिन यानी कि 243 डेज लग जाएंगे, इतना धीरे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना बेटा। और दूसरी एक चीज, मर्क्यूरी, वीनस, फिर अर्थ और ये मार्स, इसको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? इनर प्लैनेट्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स, इसे हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ये अंदर वाले जो चार प्लैनेट है ना, अगर आपको कोई पूछे, ये अंदर वाले वीनस, अर्थ, मार्स और मर्क्यूरी, इनको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स, अंदर वाले, नजदीक है सन के, नजदीक है, और ये लोग बने होते हैं रॉक से। किससे बने होते हैं? रॉक। जैसे आप जैसे अर्थ पे आपको बताए
अगर आप खड्डा खोदते हो, कोई चीज खोदते हो, तो अंदर से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं ना, रॉक्स निकलते हैं ना, तो ये सारे प्लैनेट्स ऐसे रॉक्स से बने हुए हैं। जबकि ये वाले जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट जो है यानी कि बाहर के, ये जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, इसे हम लोग आउटर प्लैनेट कहते हैं। और ये तो है गैसेस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बड़े बड़े जो ये आप प्लैनेट देख रहे हो, ये गैसेस से बने होते हैं, गैसेस एंड लिक्विड एंड उससे बने होते हैं ये वाले। तो ये हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, इसे हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये ना डिस्टेंस दिया हुआ, ये आप लोग को अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको पता, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये सन से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितनी दूरी पे ऑलमोस्ट ये लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब अर्थ के बारे में। अर्थ का यार ये तो आपको सबको पता है, अर्थ जो है वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। यहां पर एक ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ है, वरना हमारे दूसरे प्लैनेट्स में अभी तक कोई लाइफ हमें देखने मिली नहीं है। तो द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट्स साइज ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। फिफ्थ लार्जेस्ट, मेरे को कोई बताएगा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? चलो एट में से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट किसका है, कौन सा है, चलो जल्दी बताओ। आउटर प्लैनेट में बेटा अभी तक हम जा तो नहीं गए ना, जा नहीं पाए, ठीक है, पता नहीं फ्यूचर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप में से कोई अच्छे पढ़ लिख के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि हम जुपिटर में जाके आए, तो भैया जाएंगे कभी? अरे वाह, जुपिटर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, बहुत अच्छे बेटा, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। फिर हमारा जो अर्थ है ना वो फिफ्थ नंबर में, अगर साइज के हिसाब से देखने जाओ तो फिफ्थ नंबर पर, लेकिन सन के डिस्टेंस पे अगर हम देखने जाए तो थर्ड नंबर पर। ठीक है, चलिए और दूसरी एक चीज, हमारा अर्थ जैसे कई लोग बोलते हैं, हमारा अर्थ एक बॉल की तरह नहीं है कि कंप्लीट सर्कल, ऐसा नहीं है। हमारे यहां पर कैसा है, अर्थ जो है वो यहां पर अगर हम देखेंगे ना, ये बीच वाले पार्ट में ये थोड़ा फूला हुआ है, फूला हुआ है। ये बता है, हमारे जैसे मोटू राम होते हैं, कई लोगों का पेट बाहर आ जाता है ना, कई लोग खाने पीने बहुत जबरदस्त खाते हैं, थोड़े हेल्दी होते हैं, फैट होते हैं, जिनका पेट बाहर आता है, वो हमारे ऐसे, अर्थ भी हमारा ऐसा है कि हमारा ये जो अर्थ है ना, ये यहां पर क्या है, बल्जिंग पार्ट होता है, बल्जिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, बीच में से इक्वेटर वाले पार्ट को हम बल्जिंग बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट का मतलब ऐसे एकदम फ्लैट हम बोलते हैं, ठीक है, ये जैसे सरफेस है ये वाला, ये मेरा कैसे फ्लैट है, एग्जैक्ट ऐसे बॉल जैसा नहीं है, एग्जैक्ट बॉल जैसे नहीं है, ये ऐसा शेप है, ऐसा शेप, ऐसा शेप, ठीक है, ऐसे शेप। तो यहां पर क्या होता है, थोड़ा बल्जिंग पार्ट होता है, ये बल्जिंग सॉरी बल्जिंग पार्ट यहां पे, ये फ्लैट पार्ट होता है, फ्लैट पार्ट, ठीक है, ये एग्जैक्ट बॉल की तरह नहीं होगा, ओवल शेप जैसा हम कह लो या फिर, ठीक है। चलिए, अंडे का आकार कैसा होता है, अंडे जैसा तो नहीं बोलेंगे, इतना भी ऐसा नहीं है अंडे जैसा, लेकिन यस, ये जो है हमारे पोल्स पे ऐसे फ्लैट होता है, और जो इक्वेटर होता है ना वहां पे इस तरीके से बल्जिंग शेप होता है। और आपको पता है कि हमारे अर्थ पे कंप्लीट कंडीशन है जिंदा रहने के लिए, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर पानी है, ये दूसरे कोई प्लैनेट में ये चीज आपको देखने मिलने वाली नहीं है। ठीक है, देखो होगा क्या कि अगर शायद कुछ जगहों पे पानी हुआ तो शायद हवा नहीं होगी, हवा हुई तो पानी नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई जैसे न्यूट्रिएंट और हमें ये भी चाहिए, खाना पीना ये सारी चीजें, ये प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारी प्रोसेस जो है हमारे अर्थ पर ही आपको देखने मिल रही है, बाकी ये कोई प्लैनेट पे नहीं है। देखिए, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट द लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू, यहाँ पे अर्थ पे इतनी भी गर्मी नहीं है और इतनी भी ठंडी नहीं है कि हम लोग जिंदा ना रह पाए। यहाँ पर क्या है, हम कह सकते हैं एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि हम यहां पर अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा टेम्परेचर है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, आपको पता ही है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इसीलिए ये यूनिक है। एंड फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, हमारे अर्थ को है ना ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, हमारे अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आप एस्ट्रोनॉट बन गए, सुनीता विलियम्स है, राकेश शर्मा है, वैसे कल्पना चावला जी है, अगर ऐसे आप एस्ट्रोनॉट अच्छे बन गए और कभी आपको बाहर जाने का मौका मिला, बाहर यानी विदेश नहीं, डायरेक्ट स्पेस में, तो अगर स्पेस में जाने का मौका मिला तो आप जो है अगर देखोगे तो वो ब्लूइश कलर आपको देखने मिला। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर जो है टू थर्ड यानी ज्यादातर जो हमारा अर्थ है ना
वो पानी से। अब ये भी आप लोग जो है इसी साल के कुछ चैप्टर्स में हम देखेंगे, जैसे कॉन्टिनेंट है, ओशियंस है, जब हम ओशियंस के बारे में पता लगेंगे तब आपको पता चलेगा पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, ऐसे हम वहां पे पढ़ेंगे। चलिए अब जो है हम स्टडी करने वाले हैं स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। जैसे आपको पता होगा आपके पापा जब गाड़ी चलाते हैं तब वहां पे उनकी स्पीड होती है कुछ 80 किलोमीटर पर आवर या तो 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इतनी स्पीड पे भी अगर मम्मी जी बाजू में बैठी है तो भैया आवाज लगती है धीरे चलाइए, है ना। तो अब सोचिए जब हाईवे पर जब गाड़ी चलती है तो वो 80 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी पे स्पीड पे चलती है तो उस समय पे आपको फील होता है कि स्पीड क्या है, है ना। तो सोचिए यार ये जो लाइट है ना, इस लाइट की भी कुछ स्पीड होती है, यानी यहां पे आपको पता है सन इज अ स्टार जो कि हीट एंड लाइट जनरेट करता है। अब ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है ना, देखो लाइट आ रही है अर्थ पे आ रही है ना, तो इसकी स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो यहां पर आपको डू यू नो में दिया हुआ ही है 300,000, सोचिए 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में। देखो अभी एक सेकेंड में आपसे बात कर रहा हूं, एक सेकेंड हो गई और ये जो लाइट है इसने जो है कितना स्पीड कंप्लीट किया पता है, कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया, 300,000 किलोमीटर। सोचिए तो इतनी तेज ये लाइट की स्पीड होती है। और फिर भी जो सूरज की हम बोलते हैं ना पहली किरणें जब हमारे अर्थ पे गिरती है ना, सूरज की पहली किरणें, तो उसे गिरने में यानी यहां से उसे यहां तक आने में आपको पता है कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स। देखो यहां पर लिखा है 8 मिनट्स, जी हाँ, सूरज की पहली किरणें जो है ना वो अर्थ पर आती कितने मिनट में पता है, 8 मिनट्स, यानी यहां से जनरेट हुई लाइट आ रही है, लाइट यहां तक आते आते 8 मिनट्स लगते हैं। इतनी दूरी आपको बताइए 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, ठीक है, हमने आगे ही पढ़ा था, और लाइट की स्पीड है ऑलमोस्ट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आई थिंक यहां पे आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, ये हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट क्लियर। सो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा एंड ये सारे टॉपिक्स आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन रीड करना पड़ेगा, घर पे एक बार एनसीईआरटी जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी जरूर से एक बार रीड कर लीजिएगा, एंड कोई भी डाउट रहता है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो यस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब, कीप लविंग, कीप रीडिंग, टेक केयर, जय हिंद।